तकरीबन 30 के करीब थाने हैं, तो उन थानों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये हर हफ्ते नो योर केस स्कीम चलाई जा रही है। तो हर जो हफ्ते का जो शनिवार है वो हमने डिसाइड किया है। तो जैसे आज जो फर्स्ट सैटरडे है उसमें हमने 8 पुलिस स्टेशन कवर किए हैं, अगला जो सैटरडे आएगा उसमें 8 कवर करेंगे, फिर अगले में भी 7 या 8 कवर करेंगे। तो इस तरीके से हर महीने में एक पुलिस स्टेशन कवर हो जाएगा। इस स्कीम में जितने भी केसेस FIR वगैरह उस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई हैं जो कि पेंडिंग हैं, जिसमें कि चलान पेश नहीं हुआ या पार्टी की तसल्ली नहीं हुई या जो भी दरखास्तें हैं जो कि थाने में पेंडिंग हैं, उन दरखास्तों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। आज सारे ही जो थाने के ASIs हैं, IOs हैं, वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं और वो दोनों पार्टियों को सुन के मौके पर ही इस दरखास्त का और FIR का फैसला करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही GO जो गजेटेड ऑफिसर हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ हाजिर हैं। तो कोई भी कंप्लेनेंट या कोई भी पार्टी अगर ऑफिसर्स को मिलना चाहे तो वो भी मौके पर ही मिल सकती है, ताकि उनकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार में ही उनका समाधान हो जाए। इसमें ये नो योर केस स्कीम इसीलिए शुरू की है क्योंकि कई बारी आजकल कोर्ट्स का काम बढ़ गया है, तो कई बारी पब्लिक जब थाने में आती है अपने केस के बारे में जानने, तो जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो किसी और केस में कहीं हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में गए होते हैं, तो वो उनका स्टेटस पब्लिक नहीं पता कर पाती। तो सैटरडे को क्योंकि कोर्ट्स की छुट्टी होती है तो सारे ही IOs यहाँ पर हाजिर हैं और कोई भी आदमी जिसका कि काम थाने में पेंडिंग है वो आके अपनी केस की स्थिति को जान सकते हैं।